धान खरीदी केंद्र को तुस्मा में संचालित करने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में संचालित धान खरीदी केंद्र छोटे होने और माघी पूर्णिमा में मेला आयोजित होने से किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जान माल का नुकसान होने का खतरा रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधि और सरपंचों और ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया तथा उचित निर्णय होने पर उग्र आंदोलन करने को अवगत करवाया गया है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो। नवभारत समाचार, छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा से देवराम धीवर की रिपोर्ट। मैं कमल प्रसाद पटेल, ग्राम पंचायत उस्मा के सरपंच, अब मोर साथ में पंच भी है और किसान समिति के सब सदस्य मन है। हमारे गांव में मंडी के संबंधी में ज्ञापन दे आए हैं। मंडी खुलना चाहिए उस्मा में। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जगह भी है, बिजली भी है, पानी है, सारी व्यवस्था है और साफ सफाई भी हम लोग करवा लिए हैं। जनपद सदस्य नवागढ़ क्षेत्र उस्मा से आज हमारे किसान भाई मन आए हैं कि हमारे गांव उस्मा में मंडी खुलना चाहिए, कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो कहके हमारे गांव उस्मा में मंडी खुलना चाहिए। हमारे गांव में बहुत सारा जगह है संचालित, पहले से भी था और अभी भी होगा। और क्या समस्या होती है किसान लोगों को मंडी में यहाँ सिवरे आने में? ये दिक्कत होता है कि दूरी होता है। दूरी है। हाँ। और जगह छोटे हैं।